नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही वापिस लो, लैंड लॉ वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, लैंड लॉ वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, कि जम्मू कश्मीर को केंद्र ने एक प्रयोगशाला समझकर रखा हुआ है और पिछले दिनों 370 टूटने के बाद सरकार की तरफ से और बीजेपी नेताओं के द्वारा लोगों से झूठे वादे किए कि 370 टूटने के बाद जहां पर अमन चैन होगा, जहां पर इंडस्ट्री आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन दोस्तों साथियों, इस बीजेपी ने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित करने के सिवाय कुछ नहीं किया। लोगों को टोल प्लाजा दिए, लोगों को बेरोजगारी दी और लैंड रिफॉर्म सेक्ट के तहत हमारे लोगों के पास ऑलरेडी जो जमीन है वो नामात्र है। पहले इन्होंने बोला कि जिन लोगों के डोमिसाइल हो गए उनको नौकरी मिलेगी और जमीन का कोई प्रावधान था नहीं। और बीजेपी नेताओं द्वारा ये कहा गया कि जो 15 साल जहां पे रहेगा उसको डोमिसाइल मुहैया करवाएगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो बच्चे जहां पर पढ़े थे तो 7 साल से उनको भी डोमिसाइल दिया गया, लोगों को लाइन में लगाया गया। और अब इन्होंने नया लैंड लॉ एक्ट जम्मू में पास किया। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर आपने जो भी काम करेगी वो होम मिनिस्ट्री करेगी तो फिर डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं। आज जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये काम इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, असेंबली का है, लोकल लीडरशिप का काम है। बाहर से यूपी बिहार से महाराष्ट्र से बाबू लोग आते हैं और सरकार के इशारे पर रात को कानून बनाते हैं और सुबह इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों का है, हम भारतीय हैं, हमें किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, बीजेपी के लोगों का नहीं है। आज बीजेपी के लोगों से पिछले देखा आपने रियासी के एमएलए से मीडिया के कर्मी सवाल पूछ रहे थे, जवाब बीजेपी के लोगों के पास कुछ नहीं है। आज जनता तंग हो चुकी है, जो भी कानून बनाया जाता है वो जनता के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। और मैं खासकर जम्मू कश्मीर की जनता से यह कहना चाहता हूँ, कठुआ की जनता से कहना चाहता हूँ, ये जो लैंड लॉ एक्ट जम्मू में पास किया गया, कश्मीर में पास किया गया, होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है, आने वाले दिनों में एक संकेत है कि जहाँ पर शरेआम रेप होंगे, जहाँ पर मर्डर होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी स्टेट में जाएं, जो पीस, जो अमन, जो भाईचारा जम्मू कश्मीर में है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। हम जहां आज लोगों के अंदर एक लावा पड़ रहा है और एक बारूद बन के ये फटेगा जरूर, और ये जो बाबुल लोग हैं ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन लोगों पर अत्याचार कर रही है, जो होम मिनिस्ट्री अत्याचार कर रही है।